जय हिंद एवरीबॉडी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गेम एंड स्पोर्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बचपन से ही हम सभी ये दोनों शब्द गेम एंड स्पोर्ट्स बोलचाल के दौरान यूज करते आ रहे हैं और हम सभी को ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। बट आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि गेम एंड स्पोर्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं गेम एंड स्पोर्ट्स के बीच के डिफरेंस को समझना। गेम बेसिकली एक काउंटेबल नाउन होता है। गेम को हिंदी में खेल कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जो गेम खेलते हो उन्हें हम प्लेयर या गेमर बोलते हैं। किसी भी गेम में आमतौर पर नियमों एवं उद्देश्यों का सेट होता है। कोई भी गेम कंपटीशन को इन्वॉल्व करता है, लेकिन इसमें सोलो एक्टिविटीज भी शामिल हो सकता है। गेम फिजिकल या नॉन फिजिकल हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि गेम में मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस दोनों ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। गेम बेसिकली एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन और सोशलाइजेशन के लिए खेले जाते हैं। किसी भी गेम को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस या एथलेटिसिज्म की आवश्यकता नहीं होती है। गेम के कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स, पजल्स, वीडियो गेम्स एट्सेट्रा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार स्पोर्ट बेसिकली एक अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग खेलकूद या क्रीड़ा होता है। मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार स्पोर्ट एक काउंटेबल नाउन माना जाता है, जिसमें एस लगाकर आप इसका प्लूरल बना सकते हो और उस वर्ड को आप प्रोनाउंस करते हो स्पोर्ट्स। ऐसे व्यक्ति जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं उन्हें हम एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमन बोलते हैं। स्पोर्ट्स बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी एंड कंपटीशन को इन्वॉल्व करता है। स्पोर्ट्स को खेलने के लिए हमें फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस की आवश्यकता होती है। यानी कि स्पोर्ट्स को खेलने के लिए एथलेटिसिज्म की आवश्यकता पूर्ण रूप से होगी। स्पोर्ट्स बेसिकली फिजिकल फिटनेस, स्किल और टीम वर्क पर जोर देता है। स्पोर्ट्स में अक्सर शासी निकाय या आधिकारिक नियम होते हैं और उन सभी शासी निकाय और आधिकारिक नियमों को मानना पड़ता है। स्पोर्ट्स पूर्ण रूप से कंपटेटिव होता है, यानी इसमें एथलीट को अपने टारगेट को अचीव करना होता है अपने प्रतिस्पर्धी को हराकर। स्पोर्ट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, स्विमिंग एट्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको गेम एंड स्पोर्ट्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर यूजफुल या इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।